उत्तर नागपुर के विधानसभा क्षेत्र में जो आता है प्रभाग क्रमांक 4 जिसे वांजरा कहा जाता है, कलमना वांजरा कहा जाता है, आप देख सकते हैं कि वहाँ के फिलहाल की स्थिति जो है कितनी बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। पानी जम चुका है, यहाँ पे नाले की लाइन तक नहीं है, पीने के पानी की लाइन नहीं है, घरों से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो चुका है, स्कूल के बच्चों को प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, डेंगू का असर चल रहा है, कोरोना का डर चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन का यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। नगर सेवक जो है ये आके वादा करके जाते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि सब करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो फिलहाल हम उन्हीं से जानते हैं, यहाँ की जो जनता है जो पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है इन सब वातावरण से, हम उन्हीं से जानते हैं कि वो इन सब का सामना किस तरीके से कर रही है। मैम अपने हम घर में जाते हैं तो कीचड़ से डूब के जाते हैं, यहाँ रोडों में जो है इतना इतना गाठी गाठी पानी भरा रहता है, फिर भी हम मुसीबत से काम धंधे में जाते हैं, अपने बच्चों को कैसा भी गुजारा करके यहाँ से निकलने में हमको तकलीफ होती है। इसको इतना हुआ फिर भी प्रशासन कुछ आज तक कुछ सुविधा नहीं दी। अच्छा, जो अपने नगर सेवक है जो वोट मांगने जरूर आ जाते, तो मतलब आपको उनसे जो उम्मीदें थी वोट मांगने जब आए, आपने वोट भी किया होगा, लेकिन आपकी जो उनसे उम्मीदें थी क्या वो खरे उतर पाए हैं इस उम्मीदों पे? नहीं नहीं आए, कुछ भी नहीं आया। हमारी इधर साफ गड्ढा है, सब निकलते हमने हमारी बस्ती में, और छोटे छोटे बाल बच्चे हमारे घर के अंदर में घुसते है, तो हमारे कैसे वापस करे, हम कैसे न रहे। हाँ, इतने भी 21 साल हो गए हमारे बस्ती में रहने के बाद में, 4-5 बार निवर किया है, हमको आश्वासन देता है वो को हो जाएगा, पर होता कुछ भी नहीं। हमने अभी बोले गटर लाइन के लिए, तो तुम्हारा बोलते गटर लाइन नहीं होगा बोले, हाँ नल लाइन भी नहीं डाला है अभी तक, उसने कुछ भी नहीं कहे। टैंकर बहुत दिन से काम चालू है, अभी तक के वो बोले हमको 2-3 साल होगा, ये साल होगा, ये दीपावली होगा, आते हैं उद्घाटन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ना पीने का पानी दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, हम लोगों को बस आश्वासन देते हैं, हर साल आश्वासन देना चालू है उनका वाला, लेकिन करते कुछ भी नहीं। ना मिनन माने ने किया, अभी नितिन राउत उनके है ना, उन्होंने कुछ किया ना, जो हालत हमारे पहले से ही है वैसी हालत है अभी भी, उससे भी गंभीर हालत हो गई है अभी। हमको रहना भी नहीं हो रहा, और ना बच्चे को, ना बच्चे स्कूल जा रहे। कल हमारे बस्ती में मैयत हो गई, वो मैयत हमने कैसे की क्या की हमको मालूम, ये इतने इतने पानी में हमने मैयत रखे, वो गोतमारे के घर गए, एक गाड़ी भरन बुलाया, उसने भरन नहीं दिया, हमने कैसी तो भी कल एक बाई की मैयत करी और हमने अपना ये किया। हम जगह भी बता देते, हाँ जगह भी बता देते तुमको, और कितना पानी है वहाँ जाके, ये पूरे पूरे पब्लिक पूरे मेहमान लोग वो पानी में खड़े रहे, मैयत को ऐसे विटे में रखे, हम लोगों ने विट पे रखे, दरवाजा रखा, कैसी तो भी हमने मैयत कराई कल, तो भी उन लोगों का होश नहीं है अभी तक, क्या ये बस्ती के हालत क्या है। आधा पानी में डूबा हुआ है, जिससे हम लोग पानी भरते हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ, रास्ते में भी, हैंडपम्प में भी, और उसी में डब्बा लगा लगा के पानी भरते, पूरी फैमिली बीमार है, कोई भी सही नहीं है, और कोई भी ऐसा घर तो बिना बीमारी से है, बीमारी से कोई सभी घर में बीमारियां है, और नगर सेवक तो सुनता नहीं, कुछ नहीं करता, उसको बोलने जाओ हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में नहीं है, जब तुम चुन के वोट लेने आते तब तुम्हारे हाथ में रहता है, और बाद में तुम्हारे हाथ से सब चले जाता है। मोदी जी बोलता है साफ सफाई रखो, ये कहाँ से साफ सफाई रखेंगे हम, हाँ स्वच्छ भारत है, अच्छे दिन आने वाले, ऐसे दिन दिखाने के लिए आने वाले है क्या, हाँ अच्छे दिन आने वाले है बोलते, ऐसे दिन कितने साल हो गए हमको, 21 साल हो रहे हैं हमारे बच्चे के सब यहीं पे बड़े हो गए, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया इस एरिया में, और बोलने जाओ तो पहले तो बोलते थे तुम्हारा एरिया हमारे तक नहीं आता, अब आता है तो आप बोलते हमारे हाथ में नहीं है, क्यों बीजेपी की सरकार है उनके हाथ में नहीं है। हाँ
जैसे कि आपने देखा कि जनता के दिलों में काफ़ी सवाल है, और आप भी देख सकते हैं कि यहाँ की परिस्थिति किस कदर बुरी हो चुकी है। यहाँ के लोग परेशानियों से तंग आ गए हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं ये जो प्रभाग है, प्रभाग नंबर 4 वांजरा जिसे कहा जाता है, ये अनधिकृत है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब वोट मांगने की ज़रूरत पड़ती है तब यहाँ नगर सेवकों को जो है आना जाना आवाजाही चालू हो जाती है। जबकि वोट की ज़रूरत होती है तभी उनका आना जाना होता है। ऐसे टाइम पे जब वोट हो जाता है, इनसे मांग लेते हैं, इनका बहुत उपयोग होता है वोट मांगने के वक्त, लेकिन वोट देने के बाद जब वो चुन के आते हैं तब यहाँ आना जाना उनका पूरी तरीके से बंद हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हालत, तो हम उन्हीं से जानते हैं कि ये किस तरह और किस हद तक और कहाँ तक चालू है। हाँ मैडम, यहाँ पे अभी आज 11 साल से टंकी बंद, 2011 से पानी की टंकी बनी है। हर महीना बोलते चालू होंगी, लेकिन आज तक चालू नहीं की गई। और यहाँ तक कि नगर सेवक भी आया है, चारों बीजेपी के नगर सेवक होने के कारण भी यहाँ पे काम नहीं। अगर इनके पास जाओ तो वो कहता दूसरे नगर सेवक के अंदर में, वो बोलता दूसरे नगर सेवक के अंदर है। यहाँ तक कि नल या बिजली के पोल भी सही ढंग के नहीं है, और लाइट भी नहीं है यहाँ पे। नगर सेवक के पास जाओ बोलो तो बिजली के लिए, लाइट के लिए, तो बोलते अभी फंड आने का, अभी ये आने का, सब ये नाटक करते। पूरे रोड बरोबर नहीं है, हर जगह कीचड़ है। सिर्फ ये मेन रोड एक बना दिया ताकि बड़े बड़े मंत्री नेता आए तो दूर से दिख जाएगा यहाँ पक्की रोड बनी है, लेकिन अंदर में आके देखिए बोलना सबने कि अंदर में कितना कीचड़ है। अंदर आके मेन रोड से देखने से कुछ नहीं होता, क्या 10 फुट की रोड बनाने से वो हो जाता है करके। और यहाँ तक का है कि अभी नितिन जी राउत ये भी आए हैं यहाँ पे, अभी जीत के उत्तर नागपुर विधानसभा की ओर से जीत के आए हैं पालक मंत्री हमारे शहर के। उनने भी ध्यान देना चाहिए, विकास करना चाहिए। अगर से चलो यहाँ पे अगर से अंधिकृत एरिया है तो आप बताइए इसके लिए हम क्या करें। नागरिक हम हर चीज़ करने को तैयार है। अगर से डेवलपमेंट चार्ज लेना चाहती है NIT तो हम वो भी भरने को तैयार है नागरिक यहाँ के। हाँ, लेकिन हमको सुविधा दिया जाए। कारपोरेशन का टैक्स लगाते हैं, कारपोरेशन का टैक्स में पानी कर लग के आता है, घर का टैक्स लग के आता है, किस बात का लग के आता है। जब नहीं अगर से यहाँ सुविधा दे रहे तो उस टाइम का टैक्स बंद कर दीजिए। टैक्स मत लो घर का, कोई चीज़ का टैक्स मत लो, हाँ हर चीज़ कर लो। क्योंकि आज रोड पे निकल रहा है बच्चा, उसका भी टैक्स लिया जा रहा है। एक बच्चा पैदा हो रहा है वो भी टैक्स के ऊपर ही पैदा हो रहा है। हाँ, हर चीज़ में टैक्स है, हर चीज़ में टैक्स है। तो आज जब तुम सुविधा नहीं कर रहे, बोलते स्वच्छ भारत होना, स्वच्छ भारत कैसा होएगा जब यहाँ पे पानी है भरा रहेगा, कीचड़ भरा रहेगा, या डेंगू से बीमार। आज मैं भी 5 दिन के बाद बीमारी से उठाऊँ, मच्छर काटने के कारण बीमार हो गया पानी। अब वो एक हमारा भाई वहाँ पे बेचारा पानी भरने को नहीं, आज देखो अपने इसमें कहते फोटो आई है कि वो इंसान कहते वहाँ से बोरिंग से पानी भर के पीता है। अब बताओ वो पीता, उसके घर में भी बीमारी होती है, दवाई खाता वो, यानी दवाई खाने के लिए यानी काम कर रहा है क्या इंसान? यहाँ तंदुरुस्त रहने के लिए करेंगे ना। अब जब तंदुरुस्त यहाँ पानी सही ढंग का नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ से तंदुरुस्त रहेगा? हाँ, इसीलिए क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, हमारी नागरिक से नागरिकों की विनंती है कि नितिन जी राउत वो यहाँ के नगर सेवक ये आके यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ के एरिया कैसा है, एरिया के हिसाब से काम करें और यहाँ के नागरिकों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए। बनाया उनने और एक साल बाद खुदाई करवा दी, पाइपलाइन डलवा के। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, थोड़ा थोड़ा रोड बनी उसमें भी खुदाई करवा दी, पूरी रोड है फिर जैसी की तैसी। ये कौन सा तरीका है काम कराने का? पाइपलाइन डलाए हैं मगर चालू नहीं की। जब भी उसको बोलते बोल एक महीने बाद चालू हो जाएगा, एक महीने, आज 6 महीने हो गए अभी तक चालू नहीं हुआ। ये पानी भरा रह जाता है और उसको बोलो तो बोलते मेरे हाथ में नहीं है, तो किसके हाथ पे है? और बोलते दीपावली चालू करेंगे हम, लीकेज है क्या? लीकेज है, दीपावली भी चालू करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी, उनका कहीं ना कहीं बचपन खो चुका है इन समस्याओं की वजह से। उनको बाहर निकलने की समस्या, खेलने की समस्या, कहीं ना कहीं बचपन उनका खोते जा रहा है। तो इस पर हम बच्चों से भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि उनको खेलने नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं वो घर में रहना पड़ता है। हम लोग यहाँ से खेलने निकलते तो डायरेक्ट पानी में पैर जाता है। यहाँ को खेलने की जगह नहीं है, ना गार्डन है, ना कुछ है। यहाँ पूरी रोड खराब है, यहाँ मिट्टी में पैर धंसने लग जाते जैसे आगे चलो। यहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है, लोग जाते तो डायरेक्ट पानी, हैंडपम्प भी डायरेक्ट पूरा तालाब सामान भरा रहता। इस बार अगर नगर सेवक जी जब वोटिंग की जरूरत रहेगी तब जब वो पधारेंगे तो आप लोग क्या उनसे मांग करना चाहोगे? इस तो आप क्या आप उन्हें वोट देना चाहोगे? ऐसा पानी एक वन में ये पानी जाता है, वही पानी हम लोग पीते हैं और वही पानी पी के बीमार होते हैं। बता दवाई कराएंगे कि बीमार ना होए। अब ये पानी भरा, यही पानी कुएं में जा रहा है, यही पानी हम लोग पी रहे हैं। ना यहाँ कोई नल का सुविधा, ना कोई टंकी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या करें हम लोग?
टैक्स काहे का, ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही गटर लाइन है, ना ही रोड है, टैक्स काहे का भरेंगे। बारिश आती है तो बच्चे बीमार ही पड़े रहते हैं, धूप काला तो पीने के लिए पानी नहीं रहता, लोग टैंकर के भरोसे जी रहे हैं, क्या करेंगे लोग यहाँ। टैंकर में भी ऐसा रहता है कि नंबर लगाए हैं तो दो दो चार चार बाल्टी मिला, उसे बोलेंगे दिन भर वहाँ पर करो, दिन भर कोई दो चार बाल्टी वहाँ पर कर पाएंगे क्या? एक ड्रम पानी भी बराबर लोगों को नहीं मिल रहा है, ऐसी यहाँ की व्यवस्था है। आंटी आप बताइए कि आपकी जो नगर सेवक है जहाँ जिन्होंने जिनको आपने वोट दिया है, कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद की थी लेकिन वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे इस पर? हमने बोले कि ये रोड थोड़ा सा बना के दे दो, हमको जाने आने के लिए तकलीफ है, पानी है यहाँ पे, कीचड़ है, सांप बिच्छू निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमने वो बोले कि वो बाजू वाले जो प्लाट खाली है तो उसको फ़ोन नंबर दे दीजिए और हम वो भरण डालने के लिए उसके यहाँ उसके ऊपर फाइन ठोकेंगे, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन वो एक ट्रक मलमा डाल के हमको रास्ता बना के नहीं दिए नगर सेवक ने, गोतमारे ने। अगर हुई तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, सीधी बात है, चाहे कोई भी नेता है, क्या फायदा, क्योंकि सभी भ्रष्ट है। एक को देते बोलता हाँ करेंगे, अभी इसको छोड़ के दूसरे को दोगे वो भी यही काम करेगा, अपना गड़बड़ेगा और उस पब्लिक की कोई देख रेख नहीं, तो वोट का ही बहिष्कार करेंगे। सीधा एक सिस्टम है कि जब तक हमारी सब सुविधा नहीं होगी इसके बाद ही हम वोट डालने जाएंगे, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। दुनिया में है क्या नहीं है, इसमें घोषित हो गया है अपना, कोई अपने तरफ आके देखते नहीं है, कोई जब वोट लेने का रहा तभी आते हैं, हाँ भैया तुम्हारा काम कर दूंगा, एक चॉकलेट दे देते जब चले जाते हैं, ऐसा काम हो गया है, अभी कोई मतलब नहीं है। अब हम वोट किसी को करने वाले से नहीं है, हमारा विश्वास ही उड़ गया है उनसे, हमको नगर सेवक होना ही नहीं अभी। आमच्या घराच्या समोर चालून पला दुकानापासून आमच्या पाण्या पूर्ण घोट्यापर्यंत डोंगऱ्यापर्यंत पाणी संग्रून आहे, साप दिसते आम्हाला, किती वेळा लहान लहान मुलं दुकानामध्ये येते, शाळेमध्ये जायसाठी सुविधा नाही। आ तुम्ही ह्या मेन रोड तर बनवानच, पण आमच्या घरापाची सोय करून द्या आम्हाला, खाली प्लॅट आहे म्हणून काय झालं, प्लॅटाचे पाणी काढायची बी सुविधा करा ना, नालं आहे लागून सनेने, काही तर सुविधा करा, इथं घराची वस्ती झाली तर। मैम मेरे घर में पेशेंट है, मेरी मम्मी हैंडीकैप पेशेंट है, हम 3-3.5 महीने हो गए हैं हम लोग यहाँ पे रेंट से रह रहे हैं, और मैंने 3-3.5 महीने से ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे कोई भी वार्ड मेंबर आता नहीं है, और कोई भी अगर मुझे यहाँ पे अगर इमरजेंसी में रात में 12-12:30 बजे या कभी भी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती, इतनी पेशेंट है कि अगर मेरे को ऑटो बुलाना पड़े या मैं अपनी खुद की गाड़ी से भी यहाँ से जाऊँ तो ये लोग रास्ते रास्ते में ट्रक्स ऐसे लगाते हैं कि मैं गाड़ी नहीं निकाल सकती, और ऑटो तो आना बहुत दूर की बात है, बहुत ज़्यादा इतनी तकलीफ़ है कि रास्ते में इतनी भयंकर इनके ट्रक रहते हैं कि कैसा मैं अकेली लड़की हूँ तो मैं इनको कैसे आवाज़ दूँ, मैं यहाँ जानती नहीं, किसी को नहीं जानती, अभी नए नए 2-4 लोग मैं इनको पहचानना चालू किया है, तो मैं कैसे मतलब मेरे को इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मैं यहाँ घर बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, प्लॉट मेरा सारी चीज़ें मेरी, ना गटर लाइन है, ना पानी की लाइन है, ना कुछ नहीं, ना स्ट्रीट लाइट भी नहीं है मैम, मैम स्ट्रीट लाइट भी नहीं है ना, एक साथ में 4-4 सांप 5-5, 9 महीने की लड़की है मेरी, उसको बाहर नहीं निकलने देती मैं नातन को, हमको 1 साल ही हुआ पर हम अब घर बेच रहे हैं, यहाँ से घर बेचने के लिए मेंबर के यहाँ पे गई हूँ मैं, कितने बार गई हूँ मैं वोट मारे के यहाँ पे जाने के लिए, मैं तो अभी आई हूँ तुरंत ही यहाँ पे, साल भर हुआ फिर भी मैं उसके पास गई कि यानी रोड तो भी ये कर दो करके, रोड करने के लिए, नल के लिए भी गई और उसके रोड के लिए तो मैं कितने बार गई होंगी उसके पास में, और कंप्लेंट भी है मेरी, नाम सहित मेरा मोबाइल नंबर सहित कंप्लेंट है वो रोड के लिए उनके पास में। मैम आज हमको यहाँ पे रहते हुए 15 साल हो गए, ना तो यहाँ पे गटर लाइन है, ना तो पानी की कोई सुविधा है, पानी के समय पूरे कुएँ सूख जाते हैं, हम लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर से पानी लेकर आते हैं पीने के लिए, यूज करने के लिए, और यहाँ की हालत तो आप देख लीजिए सर, एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए, यहाँ की हालत तो आप देख ही रहे हो, बारिश पानी में तो
गाड़ी से छोड़िए मैम, पैदल चलने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और बाकी तो आप देख ही लीजिए जो भी है। यानी किसी एक लाइट बिल के अलावा, खंभे के अलावा और कोई सुविधा नहीं दी गई है यहाँ पे। सिर्फ मूलभूत सुविधाएं जिनके बिना व्यक्ति का गुजारा नहीं है, सिर्फ वही चीज़ें हैं, बाकी कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। आज यहाँ कम से कम 25 साल से बस्ती बनी हुई है, ठीक है, आज 25 साल से यहाँ के लोगों को कोई चीज़ की सुविधा नहीं दी गई। यहाँ के नगर सेवक जब चुनाव होता है तो आते हैं, बोलते हैं कि हम आपको यहाँ पे रोड बना के देंगे, गटर लाइन बना के देंगे, पानी की सुविधा करके देंगे, नल लाइन की सुविधा करके देंगे, और एक बार वोटिंग हो जाने के बाद में कभी वो एरिया की तरफ में घूमने तक के नहीं आते कि हमारा एरिया कैसा है, क्या है, वहाँ पे क्या सुविधा है कि नहीं है, लोगों को क्या परेशानी हो रही है। यहाँ पे पानी आज कम से कम 2 महीने से भरा हुआ, मैम आप देख लीजिए यहाँ का पानी, ना तो कहीं निकलने की व्यवस्था है, ना तो यहाँ पे भरन डाली जा रही है। आदमी गाड़ी तो छोड़िए मैम, पैदल आने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चैम्बर बगल में है, नाला बगल में है, चाहे तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है विषय, लेकिन नहीं आता है। अरे एवढी समस्या आहे सांगायचं काही आहेच नाही, सगळं डोळ्यांनी दिसत आहे, हे रोड, हे गड्डे, हे ट्रक, हे गोडाऊन, तेवढी गंदगी, इथे लहान लहान मुलं आहे, एवढी गंदगी आहे खूपच, इतके गोडाऊन झाले आहे का, ते गोडाऊनवाले पण त्यांनी इतकी गंदगी करून ठेवली आहे का, खूप भयंकर। आता तुम्ही चालून पहा किती त्यांचे ट्रक आडवे दिसत आहे इथून, पूर्ण त्यांचे बोरे, त्यांचे ते ट्रक आडवे ना, पायदळवाले सुद्धा इथून जायला रस्ता नाही राहत, म्हटलं तर शिरजोरी पूर्ण त्यांची सुरू राहते निव्वळ। आणखी ते लहान लहान मुलं सुद्धा तिथे त्यांना खेळायला जागा नाही, त्यांना बसायला जागा नाही, बसाची सोडा चालायची सुद्धा सुविधा नाही आहे। आणि सगळ्यात जास्त त्रास म्हटलं तर गोडाऊन खूप आहे भयंकर, इथे त्याचे गॅस आहे ते कचरा पेटवते, त्याचे गॅस निघते पूर्ण प्लास्टिक पूर्ण, ते आता पण इथून सगळं दिसत आहे, सांगायची काहीच गरज नाही आहे, भयंकर त्रास का भय, नरकापेक्षा पण नरक आहे या वस्तीमध्ये। आणखी वार्ड मेंबर तर झोपलेला आहे, इथं शेषराव गोतमारे तो नावावर एकदम कलक नावाचा व्यक्ती आहे, तो दुखून सुद्धा नाही पाहत, फक्त नमस्कार करायला येते जेव्हा त्याला मतं लागते तेव्हा। हमारे बस्ती में इतने सारी गंदगी है, इसके बारे में आपन बोलना चाहते हैं कि इतने सारी गंदगी इसके वजह कौन है? 80 फीट का रोड छूटा हुआ है, 20 फीट का रोड हमारे लेआउटर ने छोड़ा है, 20 फीट का रोड हमारे क्लियर होना होना, 20 फीट का रोड हमारे क्लियर होना आने जाने के लिए, किसके लिए? आने जाने वाले के लिए। 20 फीट का रोड है पब्लिक जाने आने के लिए, 20 फीट का रोड हमको क्लियर होना, और क्लियर होना तो होना, उसमें उसकी बात यह है कि अपने ये इतने सारी गंदगी है, ये लोग प्लास्टिक जलाएंगे, रोड पर प्लास्टिक फेंकेंगे, रोड पर बहुत सारे ऐसे अतिक्रम है, इससे तकलीफ हमको। रात को यदि 12 बजे मैं मंडी जाता हूँ 12-1.30 बजे, ऐसे लगता है कि अपन कोई खेत में है, कहाँ है? खेत में है। अंधेरा किट कोई अपने को पकड़ भी लिया 12 बजे रात को, कोई बोलने वाले नहीं, पूरा अंधेरा किट, तो तकलीफ आपको यही चाहे। और धूप काले में आपको पानी नहीं मिलती पीने के लिए, कहाँ के पीते अपन? अपना 600 स्पीड की प्लाट है, 600 स्पीड में बोर है, वो पानी कहाँ का आता है? सेफ्टी टैंक का, वो गंदगी पीते अपन, 600 स्पीड में बोर मारे अपन, पानी कहाँ का आता है? गंदगी का, वही सेफ्टी टैंक का पानी आता है ना, संडा से जो अपन बट्टे वही पानी आता है। ये नल में पाइपलाइन डाले हैं, चालू नहीं हुआ है पाइपलाइन, कब चालू करेंगे? तो जैसे कि आपने देखा, हमने हमारे माध्यम से आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं नागपुर शहर में भी कुछ ऐसे प्रभाग है जहां लोग इस तरीके से प्रभावित हो चुके हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हमारे भी कहीं ना कहीं प्रशासन से यही मांग है कि थोड़ी बहुत इनकी जो तकलीफें हैं उन पर ध्यान दीजिए, और कहीं ना कहीं उनकी जो उनको बीमारी का जो डर है, जाहिर सी बात है पानी इतना जमा हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे हैं, डेंगू का प्रकोप चल रहा है, कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है इन पे ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल। तो वैसे ही बस हमारी भी यही अपील है कि कोरोना के महामारी में इस तरीके की जो परिस्थिति जम गई है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए, और बने रहिए हमारे VKB न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जोया खान, नागपुर।